नमस्ते बच्चों, मैं दीप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, FA2 एग्जाम शुरू होने वाली है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? यस, हमें जोर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो हम सीख गए हैं उसका पुनरावर्तन करना पड़ेगा, है कि नहीं? यस। तो चलो, आज हम रिवीजन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने पहले पार्ट में, यानी कि रिवीजन के पहले पार्ट की चर्चा कर ली है। अब हम इस पार्ट में और आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? बच्चों, आपको 40 मार्क का, यानी कि 40 मार्क्स का प्रश्न होगा, 20 मार्क ऑब्जेक्टिव होंगे और 20 मार्क सब्जेक्टिव होंगे। मैंने पहले पार्ट में जो रिवीजन करवाया था उसमें हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा की थी, ठीक है? क्या बताया था? यस, 20 मार्क आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। वहां पर आपको MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिर सही गलत, वाक्य सही है या गलत यह बताइए और सही मिलान कीजिए, अ का ब के साथ सही मिलान कीजिए। ये सारी बात की चर्चा की थी। बच्चों, आपके FA2 में जो सिलेबस मैंने दिया है उसी सिलेबस में यह MCQs, रिक्त स्थान, सही वाक्य या गलत वाक्य और सही मिलान उसी में से पूछा जाएगा। ग्रामर के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, फिर शब्द समूह, मुहावरे और फिर वचन, जो हमने अभ्यास किया था एक वचन और बहुवचन का, ठीक है? इन किसी भी चीजों में से ये सारे प्रश्न निकल सकते हैं। पहला प्रश्न MCQ का होगा, उसमें 10 MCQ होंगे। वो आपकी इकाई में से भी हो सकता है, ग्रामर में भी हो सकता है, किसी भी रूप से हो सकता है। फिर दूसरा प्रश्न होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वहां पर आपको 4 रिक्त स्थान दी गई होगी, उसमें आपको ब्रैकेट भी दिए गए होंगे, आपको ब्रैकेट में से ही सही उत्तर को पहचानना है और टिक लगाना है, ठीक है? फिर होगा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत पहचानिए। आपकी इकाई में से वाक्य लिए गए होंगे, ठीक है? आपको बताना है अच्छी तरह से वो वाक्य पढ़कर कि यह सही है या गलत है, ठीक है? फिर होगा अ के साथ ब का मिलान कीजिए, यानी कि वह भी आपकी इकाई में से हो सकता है, या तो कोई पात्र दिया गया है और उसके सामने कोई वाक्य लिखा गया है, या तो आपकी इकाई लिखी गई है और सामने उसके साहित्य प्रकार दिए गए हैं। आपको अच्छे से पहचानना है और सही विकल्प चुनकर टिक लगाना है, ठीक है? चलो, यह तो बात हुई ऑब्जेक्टिव पेपर की। आज हम इस टास्क में, यानी कि दूसरे पार्ट में, हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको पेपर लिखना है। क्या करना है? लिखना है। कैसे लिखेंगे? चलो वही बताती हूँ। पहला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। वो भी कहाँ से होंगे? आपकी इकाई में से होंगे। हो सकता है कि वो व्याकरण में भी हो सकता है, व्याकरण से भी लिया गया हो, ठीक है? तो आपको वो सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ना है, समझना है और फिर उसका उत्तर लिखना है, ठीक है? फिर दूसरा क्वेश्चन यह हो सकता है कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे, तो वो भी आपकी इकाई में से हो सकता है। आपको अच्छे से समझना है और उसका उत्तर लिखना है। हो सकता है और प्रश्न यह हो कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए,
तो आप उस मुहावरे को पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए, फिर अच्छा सही उत्तर लिखिए और उसको वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर हो सकता है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, वो भी आपकी इकाई में से ही हो सकता है, ठीक है। फिर आएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर से वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपको उस शब्द को अच्छे से पढ़ना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। फिर हो सकेगा कि निम्नलिखित वाक्यों का बहुवचन कीजिए, तो आपको उस वाक्य को अच्छे से पढ़ना है और उसका बहुवचन करना है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न होगा कहानी लेखन का, क्या होगा कहानी लेखन का, तो आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो पहले हम ग्रामर के टॉपिक वचन का अभ्यास करते हैं कि एक वचन और बहुवचन किसे कहा जाता है। पहले ज्ञात करेंगे वचन यानी क्या, चलो आप ही बता दीजिए क्योंकि आप यह पढ़ चुके हैं। यस, वचन यानी कि संख्या। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि यह एक है या अधिक है, उसे वचन कहा जाता है। वचन के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञात हो, उसे वचन कहा जाता है। वचन के कितने भेद हैं? तो वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे, आप ही बताइए। चलिए, यस, जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि यह व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ एक ही है, उसे एक वचन कहा जाता है। जिससे हमें यह पता चले कि व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ एक से अधिक है, उसे बहुवचन कहा जाता है। फिर हमने पढ़ाई की थी एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। अब पहला नियम था कि पुल्लिंग शब्द के अंत में स्वर आता है, अ आ ओ ई ई ए ए उ, वो शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। जैसे कि घर, याद आया कि नहीं, याद आया कि नहीं? यस, घर। ये सारे शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द, वो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से रहेंगे, ठीक है। फिर हमने बात की थी पुल्लिंग शब्द अकारण। अकारण पुल्लिंग शब्द को एकारण कर देने से उसका बहुवचन बनता है। जैसे कि लड़का, लड़के। आका एक कर दिया, कमरा, कमरे, ठीक है। याद आया कि नहीं? ओके। फिर हमने तीसरे प्रकार यानी कि तीसरे नियम को पढ़ा था, जैसे कि अकारण स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अकारण स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते वक्त उसको एकारण कर दिया जाता है। जैसे कि औरत, औरतें, पुस्तक, पुस्तके, ठीक है। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है, जब उसका बहुवचन होता है तब अकारण स्त्रीलिंग शब्द को एकारण कर दिया जाता है। मशीन, मशीने, पुस्तक, पुस्तके, जिल, जिले, ठीक है। फिर हमने बात की थी आकारण स्त्रीलिंग शब्द की। आकारण स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते वक्त उसके अंत में एक करके उस पर चंद्रबिंदी छोड़ दी जाती है। क्या किया जाता है? आकारण स्त्रीलिंग शब्द के अंत में एकारण चंद्रबिंदी वाला जोड़ दिया जाता है। जैसे कि पाठशाला, पाठशालाएं, फिर बालिका, बालिकाएं, संस्था, संस्थाएं। ये सारे शब्द
आकारान स्त्रीलिंग शब्द है। आकारान स्त्रीलिंग शब्द को एकारान किया जाता है चंद्र बिंदु लगाकर। ठीक है, फिर हमने अभ्यास किया था कि इकारान छोटी मात्रा, इकारान स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के समय उसे क्या किया जाता है, या चंद्रबिंदी या चंद्रबिंदी लगाकर जोड़ दिया जाता है। इकारान स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या चंद्रबिंदी लगाकर जोड़ दिया जाता है, जैसे कि जाति, जातिया, पंक्ति, पंक्तिया। ठीक है, तो ये सारे इकारान स्त्रीलिंग शब्द थे। इकारान स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या चंद्रबिंदी लगाकर जोड़ दिया जाता है। फिर हमने अभ्यास किया था इकारान स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन, बड़ी मात्रा वाला इकारान शब्द का बहुवचन बनाते वक्त अंत के दीर्घ ई को ह्रस्व ई किया जाता है और बाद में क्या जोड़ दिया जाता है, या चंद्रबिंदी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। इकारान स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के समय बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया जाता है और अंत में या लगाकर जोड़ दिया जाता है, जैसे कि लड़की, लड़किया, फिर गाड़ी, गाड़िया। ठीक है, तो बच्चों आपको यह वचन समझ में आ गया होगा कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं, एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चल अब हम हमारा जो सब्जेक्टिव पेपर किस प्रकार से होगा उस हिसाब से रिवीजन करते हैं, यानी कि पुनरावर्तन करते हैं। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके सिलेबस में मैंने जितनी इकाई ली है, यानी कि FA2 में मैंने आपको जितना सिलेबस दिया है उसी सिलेबस में से, यानी कि उसी इकाई में से यह एक एक वाक्य के प्रश्न हो गए। हो सकता है व्याकरण से भी कुछ प्रश्न लिए गए हो। ठीक है, चलिए वचन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर मैंने व्याकरण का क्वेश्चन लिया है आपके उदाहरण के तौर पर। तो वचन किसे कहते हैं, वचन यानी कि संख्या, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञात हो उसे वचन कहते हैं। कहानी का अर्थ बताइए, कहानी जीवन से जुड़ी होती है, कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, वह हमारे जीवन की किसी घटना का एक अंश होता है। ठीक है, अब बात करते हैं शब्द समूह के लिए। एक शब्द लिखिए, चलो यात्रियों का समूह उसे क्या कहा जाता है, काफिला। यात्रियों का समूह उसे क्या कहा जाता है, काफिला। फिर है सेवा की भावना से काम करने वाला, जो इंसान सेवा की भावना से काम करता है उसे क्या कहेंगे, स्वयं सेवक। क्या कहा जाएगा, यस स्वयं सेवक। अब बात करते हैं मुहावरे का अर्थ लिखिए। ठीक है, चलो अब हम उसे पढ़ते हैं। तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना, तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना। टूट पड़ना यानी कि हमला करना, टूट पड़ना यानी हमला करना। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों पर से वाक्य बनाकर लिखिए। परिश्रम, आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। मैंने लिखा है हमें सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए, हमें सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। फिर है एकाग्रता, आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, हमें पढ़ाई एकाग्रता से करनी चाहिए।
यानी कि हमें उसमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अगर हम एक ध्यान रखकर पढ़ेंगे तो हम पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें पढ़ाई एकाग्रता से करनी चाहिए। अब आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का बहुवचन कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर शब्दों का बहुवचन नहीं पूछा है, किसका बहुवचन पूछा है? वाक्य का बहुवचन। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझना होगा, फिर उसका बहुवचन करना होगा, क्योंकि अगर आप एक वचन वाले वाक्य का बहुवचन करेंगे तो हो सकता है कि उसकी क्रिया में भी फर्क पड़ जाए। देखो, मैं कल बाहर जाने वाला हूँ, मैं कल बाहर जाने वाला हूँ, यह एक वचन वाला वाक्य है। तो मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। तो मैंने क्या लिखा है उसके वाक्य में? हम कल बाहर जाने वाले हैं। देखो, जाने वाला हूँ, इस क्रिया का बहुवचन क्या हो गया? जाने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि क्रिया में भी अंतर हो जाए, यानी कि उसमें भी बदलाव आ जाए। मैं कल बाहर जाने वाला हूँ, उसका बहुवचन है हम कल बाहर जाने वाले हैं। अब देखते, लड़का खेल रहा है, तो उसका बहुवचन हुआ लड़के। लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर रहा है, यहाँ पर क्या हुआ? रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको ये अच्छे से समझना होगा कि वाक्य की क्रिया में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको बहुवचन करते वक्त ये सावधानी बरतनी है कि इसका बहुवचन किस रूप से होगा, ठीक है। अब बात करते कहानी लेखन की। आपका अंतिम प्रश्न होगा कहानी लेखन। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। आपको रूपरेखा दी गई होगी, ठीक है। आपको उसे अच्छे से पढ़ना है, फिर उसे समझना है और फिर कहानी लिखनी है। अब मैंने पहले ही बताया था कि कहानी लिखते समय हमें किस वस्तु की जरूरत है, तो कि कथा वस्तु, तो वो तो रूपरेखा में भी आ गई। फिर होगा चरित्र चित्र, वो भी रूपरेखा में होगा, ठीक है। फिर होगा देश काल वातावरण और संवाद। हमें समय, देश, जगह, ये सारी चीज लिखनी है। जैसे कि रूपरेखा दी गई है तो हमें उस रूपरेखा के आधार पर ही चलना है। आप अपने हिसाब से उसमें कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक रामपुर नामक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास बहुत सारी धन था और किसान अपने कार्य से बहुत खुश था। तो देखिए, यहाँ पर गांव का नाम आ गया, यानी कि स्थल कहाँ पर है। फिर पात्र आ गया कि किसान। फिर उसके गुण भी आ गए, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन था और वो उस धन से खुश भी था, वो अपने कार्य से भी खुश था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कहानी शुरू कर सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन आपको रूपरेखा दी गई होगी तो आपको उस रूपरेखा के आधार पर ही चलना है। यस, आप उसमें कुछ अपने शब्द डाल सकते हैं और कहानी अच्छे से लिख सकते हैं। कहानी लिखने के बाद ऊपर आपको उसका शीर्षक देना है, यानी कि कहानी का नाम देना है कि आपको उस कहानी का क्या नाम रखना है, ठीक है। अंत में आप सीख लिखेंगे कि आपको इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है, ठीक है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह सब्जेक्टिव पेपर किस प्रकार लिखना है, ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा टास्क खत्म होता है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जो इस पेपर स्टाइल के हिसाब से होगी,
आपको दिनांक विषय विषयांक ये सारी चीज लिखकर और सुंदर अक्षरों से अपनी बुक में इसको लिखना है। ठीक है, अगले तास में फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।